गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं काजा, अभी सुबह के 6 बजे और हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं सभी। कनव अभी रेडी हो रहा है, तो आज हम जा रहे हैं अभी काजा को एक्सप्लोर करने के लिए। और आपको वहां पे आज हम वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज किब्बर दिखाएंगे और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस दिखाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब निकलते हैं हम काजा की ओर और आपको दिखाते हैं आज काजा की सैर। तो कनव अभी हमारा रेडी होने वाला है, तो ये देखिए कनव यहाँ पे पूरा अपना एंजॉय कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कहाँ जा रहे हो? आज मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं। कहाँ पे? मुझे पता नहीं है। काजा जा रहे हैं आज हम। काजा। तो चलते हैं फिर जल्दी से, कनव को करते हैं रेडी और निकलते हैं काजा को। तो गाइस फाइनली अब हम निकल चुके हैं ताबो से काजा की और कनव जी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कनव जी हमारे बैठ चुके हैं और आपको अभी यहाँ का ब्रिज दिखाता हूँ, ताबो ब्रिज। ये देखिए ताबो ब्रिज, यहाँ पे काफ़ी शानदार यहाँ पे नज़ारों से होकर आप लोग गुजरोगे। ये देखिए जी ऊपर पहाड़ देखिए, गंजे पहाड़ है यहाँ पे, सभी गंजे पहाड़ आपको रिकांगपियो से लेकर काजा तक मिलेंगे। अगर आप यहाँ से मनाली निकल रहे हो काजा से, तो मनाली तक आपको गंजे पहाड़ी मिलेंगे। बट काजा टू मनाली रोड काफ़ी ख़राब है, इसलिए हम काजा से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है I-20 ये नीचे लग जाएगी वहाँ पे आपको गाड़ी, अगर आपने काजा से मनाली निकलना है तो आपको गाड़ी वहाँ थोड़ी ऊँची चाहिए नीचे से, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, तो आप काजा टू मनाली कर सकते हैं। बाइकर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकते हैं काजा टू मनाली, क्योंकि वो रोड काफ़ी एडवेंचर फुल है पूरा, और वहाँ पे आपको काफ़ी कुंजन टॉप और चीचम ब्रिज देखने को मिलेगा। तो हम किब्बर तक जाएंगे और किब्बर से वापस आ जाएंगे। अब दिखाते हैं आपको रोड के कुछ शानदार नज़ारे। ये देखिए जी ताबा से काजा, ये है खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। वो देखिए सामने पहाड़ों पे पूरी स्नो डली हुई है अभी तक। ये है यहाँ के रोड, यहाँ पे ड्राइविंग बिल्कुल केयरफुल करनी पड़ती है, नहीं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। रास्ता बिल्कुल पूरा है और साथ में आपके स्पीति नदी है, तो यहाँ से गाड़ी बिल्कुल केयरफुल चलानी पड़ती है। ये देखिए ये पूरे मिट्टी के पहाड़ है, रेतीले पहाड़ है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ती है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट था थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे पास देने के लिए भी जगह नहीं थी। कभी भी आप ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, जिंदगी अनमोल है, इसलिए यहाँ का आनंद लें बिल्कुल सोफी रहकर और जन्नत के पूरे मज़े उठाएं यहाँ पे। आगे देखिए रोड दिखाएं दीपू जी इनको, ये देखिए ऊपर से पत्थर कैसे आए हुए हैं रोड पे, और ये पहाड़ियाँ हैं गंजी पहाड़ियाँ। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हों तो ये पत्थर ना गिरे, बट यहाँ पे होते नहीं हैं। और सामने का नज़ारा देखिए, अगर आप देख पा रहे हो काफ़ी सुंदर नज़ारा है सामने का। यहाँ पे पीछे जो हमारे दो सवारी बैठी हुई है वो थोड़ी सी डर रही है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका ऐसे रोडों पे। जब ये अगली बार आ जाएंगे तो इन्हें पहले ही पता होगा
कि वहाँ पे रोड खतरनाक है और यहाँ से पहाड़ी से छुटमुट पत्थर गिरते रहते हैं, तो गाड़ी बिल्कुल केयरफुली चलाएं यहाँ पे। ये देखिए आगे पूरा रोड आपको ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक रोड है। यहाँ पे सामने दिखाई दी पूरा रोड यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए सामने कितने बड़े बड़े झरने हैं और ये देखिए यहाँ के नज़ारे काफ़ी सुंदर है। यहाँ के नज़ारे जी आप देख सकते हैं, आपके लिए स्पेशल हमने गाड़ी रोकी है। और ये देखिए अभी पुल से जा रहे हैं हम आगे, झरने काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी चलते हैं आगे, रोड काफ़ी ख़तरनाक है मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल सेफ्टी से चलाएँ, चलते हैं आप। तो गाइस ये देखिए ताबो से काजा की ओर जाती बार रास्ते में हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया। यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, ये देखिए सामने ऊपर स्नो से पहाड़ियाँ अभी तक लदी हुई है और ये जून का महीना है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, और रोड यहाँ पे कुछ पॉइंट काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर बिल्कुल सावधानी से गाड़ी चलाएँ। और बाकी रोड तकरीबन 70% बिल्कुल ओके है, 30% ताबो से काजा तक रोड ख़राब है, उसमें आप बिल्कुल केयरफुल गाड़ी चलाएं। तो गाइस ये स्पीति रिवर है, ये काजा से आ रही है और ताबो की ओर निकल रही है। तो ये है यहाँ का फाइनल व्यू, ये देखिए चारों ओर काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का। सुबह सुबह अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और हम जा रहे हैं अपनी काजा मंजिल की ओर, एक और नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अब। तो गाइस फाइनली हम अब काजा पहुंच चुके हैं, अभी आपको काजा का व्यू दिखाता हूं, यहां से कितना सुंदर दिख रहा है। काजा से जस्ट हम 500 मीटर पीछे हैं, तो अभी आप व्यू चेक करना, और साथ में यहाँ पर हेलीपैड भी है, तो दिखाते हैं अब आपको व्यू, देखने के लिए तैयार हो जाएँ। ये देखिए गाइस, ये सामने हेलीपैड है और वो हमारे देश की शान तिरंगा बनाया हुआ है, और सामने हल्की हल्की स्नोफॉल हुई हुई है, और ये देखिए वो सामने वाले पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, और वो सामने है जी काजा के पहाड़, काजा की पहाड़ और काजा गांव सिटी जो भी है। और वो सामने देखिए कैंपिंग कितनी अच्छी लग रही है गाइस, और यहाँ पर ये देखिए ये शायद सरकारी प्रॉपर्टी है, राजा हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी का भी वहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए गाइस कितना शानदार व्यू है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं मेन सिटी काजा की ओर, तो आपको दिखाते हैं मेन सिटी काजा में क्या क्या है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको पूरी दिखाई जाएगी, तो चलते हैं अब। तो दोस्तों काजा के बाद हम जा रहे हैं अभी की मिनिस्ट्री देखने के लिए, तो ये रोड है ऊपर से की मिनिस्ट्री के लिए, और आप व्यू चेक करें क्या शानदार व्यू है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से शानदार व्यू। और ये नीचे काफ़ी ओसम व्यू है यहाँ से, तो चलते हैं आप की मिनिस्ट्री, तो आपको दिखाते हैं आप की मिनिस्ट्री के नज़ारे, तो आइए चलते हैं। तो गाइस ये देखिए हम यहाँ पे काफ़ी ऊंची चोटी पे आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए काजा का व्यू, पूरा काजा यहाँ से आपको दिखाई देगा। ये देखिए वो नीचे मात्र एक पेट्रोल पंप है काजा में, और व्यू चेक करें गाइस, सामने देखिए हमारे देश की शान हमारा तिरंगा, और ये देखिए सामने पूरा काजा का व्यू यहाँ से दिखता है गाइस, ये देखिए। और कनव जी, हमारे कनव जी आगे आ जाओ। हाँ जी कनव जी, कैसा दिख रहा है आपको काजा का व्यू यहाँ से? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? मुझे यहाँ पे मन करिए, मैं यही रहूँगा। यही रहोगे कनव जी, यहीं पे रहना चाहते हैं जी काजा में ही।
और ये व्यू चेक करें गाइस, ऐसा व्यू बार बार देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये देखिए पूरा काजा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो गाइस स्पीति वैली में आप सबका स्वागत है। ये जो बोर्ड है ये काजा मार्केट के बीचों बीच लगा हुआ है। अभी हम वहाँ से आए हैं, वो बुद्धा जी का स्टैचू जो बना हुआ है वहाँ से आए हम नीचे, और जो वो शॉट था वो वहाँ से दिखाया था मैंने आपको। और ये आई लव स्पीति यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ का व्यू। अभी चलते हैं की मिनिस्ट्री, फिर मिलते हैं आपको आगे जाकर। तो गाइस यहाँ पे काजा टू की मिनिस्ट्री हम जा रहे हैं। रोड की कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो चलते हैं की मिनिस्ट्री, और यहाँ पे देखो स्नो लेपर्ड भी होते हैं ये देखिए। तो दोस्तों ये है की मिनिस्ट्री का दरबार, तो हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं की मिनिस्ट्री। तो गाइस की मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री टाइमिंग सुबह 7 बजे और क्लोजिंग 7 बजे, ऊपर व्हीकल नहीं जाते हैं जी, और ड्रोन यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। तो ये रही जी की मिनिस्ट्री। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको की मिनिस्ट्री का व्यू। पैदल चलने के लिए थोड़ा है तो सांस थोड़ा सा चढ़ाई है। ये देखिए व्यू देखिए आप मिनिस्ट्री का। तो चलते हैं अंदर। तो ये देखिए जी की मिनिस्ट्री से नीचे का व्यू कितना ज़बरदस्त है, ये आपको दिखा रहे हैं जी की मिनिस्ट्री से ऊपर से। ये देखिए रोड पूरा जिग जैग वाला है, यही इसी रोड से हम आए। वो देखिए वहाँ पे गाड़ी आ रही है। तो अभी चलते हैं अंदर मिनिस्ट्री के और देखते हैं। ये है सामने अंदर का मेन गेट, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं की मिनिस्ट्री। तो दोस्तों अंदर फोटोग्राफरी बिल्कुल मना है, और आप भी इनके नियम रूल्स का बिल्कुल पालन करें, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है। तो ये थी की मिनिस्ट्री जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं वापस ताबो, क्योंकि आज हमें रिकांगपियो निकलना है। तो चलते हैं आप, और रास्ते में जो भी कुछ अच्छी चीज़ें और आएगी अभी आपको किब्र विलेज दिखाता हूँ, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है। वहाँ से हम वापस हो जाएंगे फिर ताबो को। तो चलिए चलते हैं आप किब्र विलेज। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत किब्र, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गांव है। ये देखिए जी आपको दिखाता हूँ जी मैं, वो सामने की मिनिस्ट्री दिख रही है जी, जस्ट उससे थोड़ी सी आगे किब्र गांव है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गांव है। तो चलते हैं अब हम वापस। तो किब्र गांव में हमारी एंट्री हो चुकी है जी, यहाँ से किब्र की ग्राम पंचायत शुरू हो चुकी है जी। तो चलते हैं अब रिकांगपियो वापस, मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर बाद। रास्ते में कुछ और अच्छा आया वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस काजा से 5 या 7 किलोमीटर आगे आकर जब आप ताबो को जाओगे तो रास्ते में आपको ये होटल मिलेगा। ये देखिए जी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जी, ये काफ़ी अच्छा होटल है। आप यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मड हाउस बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मड हाउस बने हुए हैं, और रात को रहने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है। ये देखिए चेक करें एक बार आप यहाँ का व्यू। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, और ये देखिए ऊपर पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं, ये रेतीली मिट्टी के, और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ये देखिए ये लोकेशन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रुके थे हम स्पेशल। यहाँ पे आप जो अपने कैंपिंग करते हैं वो अपने टेंट वगैरह भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंड्रेशन नहीं है यहाँ पे। मैंने इनसे पूछा था, यहाँ पे आप आराम से अपने कैंप भी लगा सकते हैं। ये देखिए जो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय, फिर निकलते हैं ताबो के लिए। आपको मैं इनका भी रूम दिखाता हूँ जी, ये रहा जी इनका रूम। और भैया हमारे साथ आए हैं, ये यहाँ का एड्रेस
और इस रूम का प्राइस बताएंगे आपको। हाँ जी भैया, 5000 इज का प्राइस विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ओके, और भैया ये कहाँ पे है, ये जगह का नाम क्या है? ये शेगो सर, काजा से 5 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, अगर आप काजा से ताबो जा रहे हैं तो काजा से 5 किलोमीटर आगे, अगर आप ताबो से काजा आ रहे हैं तो काजा से 5 किलोमीटर पीछे सर। तो ये है जी यहाँ का व्यू, काफी अच्छा है इनका ये मड हाउस है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है। हाँ जी, ये पूरा मिट्टी के होते हैं गाइस, ये दीवारें जो है ये पूरी मिट्टी की होती है, और ये काफी अच्छा है यहाँ पे। ये बेड भी मिट्टी का बना हुआ है सर, ये देखिए गाइस, भैया बता रहे हैं ये बेड भी मिट्टी का है पूरा। जी ये देखिए, 5000 रुपये यहाँ का प्राइस है विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। कितने हैं भैया टोटली आपके पास ये? ये 10 रूम्स है। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनका नंबर ले सकते हैं। तो ये है जी यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, आपको दिखाता हूँ पीछे, देखिए पूरे रेत के पहाड़ है ये, कच्ची मिट्टी के। और ये है जी इनका, और ये मेन रोड के साथ ही है जस्ट यहाँ, और पार्किंग की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से आकर अपनी गाड़ी इनके अंदर यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपको ताबा चलकर, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है भैया।